मध्य प्रदेश के बक्सवाहा जंगल में हीरा खनन परियोजना के अंतर्गत पेड़ कटाई में लगभग 2,15,000 पेड़ काटे जाने हैं, जिसके चलते विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर बुंदेली समाज के लोगों द्वारा आल्हा चौक के अंबेडकर पार्क में सुबह 10 बजे से फूल से खत लिखा गया है। आपको बता दें कि मामला बुंदेलखंड के छतरपुर जिले के बक्सवाहा जंगल का है, जहां पर हीरा खनन परियोजना के तहत लगभग 2,15,000 पेड़ों का काटा जाना है। बताते चलें कि बुंदेली समाज के संयोजक तारा पाटकर का कहना है कि हम अपना खून बहा देंगे, लेकिन बुंदेलखंड के बक्सवाहा जैसे हमारे गौरवशाली जंगलों को कटने नहीं देंगे। आपको बता दें कि पृथक बुंदेलखंड राज्य के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने साथियों के साथ 16 बार अपने खून से खत लिख चुके हैं। बुंदेली समाज के संयोजक तारा पाटकर ने आज आल्हा चौक के अंबेडकर पार्क में हर बार की तरह अपना खून निकलवाया, फिर पीपल के वृक्ष के नीचे 17वीं बार प्रधानमंत्री को खत लिखा है और कहा है कि एक तरफ सरकार ऑक्सीजन प्लांट लगवा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ चंद हीरो के लिए बुंदेलखंड के हजारों साल पुराने बक्सवाहा जंगल जैसे प्राकृतिक ऑक्सीजन प्लांट खत्म करवा रही है। यह कहां तक न्याय संगत है? मध्य प्रदेश सरकार ने विशाल हीरा भंडार मिलने के बाद आदित्य बिरला समूह को 382 हेक्टेयर जंगल 50 साल की लीज पर दे दिया है और वहां लगे 2,15,000 पेड़ काटने की अनुमति भी दे दी है। फिलहाल मामला केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के पास विचाराधीन है। इंडिया 24/7 लाइव टीवी के लिए कौशलेंद्र राठौर की रिपोर्ट। देखिए, एक तरफ सरकार ऑक्सीजन प्लांट लगा रही है और दूसरी तरफ जो हमारे प्राकृतिक ऑक्सीजन प्लांट हैं उनको कटवाने का आदेश दे रही है, तो ये जो है ये कहाँ का न्याय है, कहाँ की न्याय संगत बात है, ये कहाँ तक उचित है? आपको पता है कि मध्य प्रदेश सरकार ने हमारे पड़ोसी जिला जो छतरपुर है, बुंदेलखंड का हिस्सा है, वहाँ के बक्सवाहा जंगल को काटने के लिए परमिशन दे दी है। वहाँ पर हीरे की खदान निकल आई है, तो इसकी वजह से वहाँ पर 2,15,000 पेड़ काटने की परमिशन दे दी गई है। अब चूंकि बड़े पैमाने पर जंगल काटने हैं, इसलिए ये जो है केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के पास मामला पड़ा हुआ है। अगर वहाँ से परमिशन हो जाती है तो वहाँ पर यह कटाई चालू हो जाएगी और आदित्य बिरला ग्रुप को वो टेंडर मिला है 50 साल के लिए सरकार ने दे दिया है, तो हमें उन जंगलों को बचाना है। उन जंगलों, वो हजारों साल पुराने जंगल जो लगे हैं, वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वहाँ उस क्षेत्र के 20,000 लोग, वहाँ तेंदू पत्ता से लेके और सारी चीज़ों का रोजगार चलता है और उनको सबको बर्बाद हो जाएंगे। वहाँ जो जीव जंतु रहते हैं, पशु पक्षी रहते हैं, वो सब उनके आश्रय ख़त्म हो जाएंगे और इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ये कोरोना काल में जो हम लोगों ने संकट झेला है वो इसीलिए झेला है कि हमने ऑक्सीजन, हमने पर्यावरण का बहुत नुकसान किया है और शहरों में हमने देखा कि सबसे ज़्यादा कोरोना महामारी का प्रकोप था, क्योंकि शहरों में बड़े पेड़ नहीं बचे हैं, पुराने पेड़ नहीं बचे हैं, तो ये गांव देहात में बचे हैं उनको ज़रूर करेगी, क्योंकि तीसरी लहर आने वाली है। अगर ऐसे संकट में अभी जैसे ऑक्सीजन की मारामारी थी उसको लेके अगर ये अभियान चालू किया सरकार ने पेड़ काटने का, तो ये बहुत आत्मघाती कदम होगा। हमारे असली हीरा वो पेड़